रात में ड्यूटी करते समय अगर लोको पायलट को नींद आ जाए या फिर वो सो जाए तो क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? लोको पायलट वह है जो ट्रेन का ड्राइवर होता है। पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो लोको पायलट होता है वह ट्रेन चालक होता है। उसका काम आम वाहक से कई ज़्यादा अधिक डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले उसे किसी भी सामान गाड़ी के ABC मीन्स एक्सीलेटर ब्रेक क्लच में ही खाली सामंजस्य बैठाना नहीं होता, उसे और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। ट्रेन रूट पर अलग अलग बीटर्स होते हैं जिसे देखना पड़ता है, सिग्नल भी देखने होते हैं और गार्ड से भी कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं जो अलग अलग स्टेशन रेलवे स्टेशन पर मिलता है। इसीलिए भले ही सड़क के समान रेलवे पर ट्रैफिक ना हो, भले ही कार के स्टीयरिंग के समान कार का पहिया ना संभालना हो, फिर भी एक लोको पायलट को ट्रेन चलाना अच्छा खासा व्यवस्था से भरा काम होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोको पायलट अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा है कि जब उन्हें नींद आती है तो वो जोर जोर से ताली बजाते हैं और गाना गाते हैं। अगर किसी को व्यसन या लत है तो वे उसे पूरा करते हैं, समय समय पर चाय पीते रहते हैं और बीच बीच में प्लेटफॉर्म पर भी निकलकर घूमते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है हजारों किलोमीटर का सफर करने वाले ट्रेनों की ड्राइवर को बीच रास्ते में अगर नींद लग जाए तो क्या होगा? या फिर अगर बीच रास्ते में ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाए तो आखिर ट्रेन में सफर कर रहे लाखों पैसेंजर की जान का क्या होगा? आइए जानते हैं ट्रेन में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए आखिर क्या तरीके अपनाए हैं। आपको बता दें कि हर ट्रेन में हमेशा दो ड्राइवर होते हैं जिसमें से एक लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ऐसे में अगर मेन लोको पायलट को नींद आने लगे तो दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है वो ट्रेन की कमान अपने हाथ में ले लेता है और वह ट्रेन को चलाते हुए जाता है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो वह मेन लोको पायलट को जगा देता है। वहीं अगर मेन लोको पायलट की तबीयत खराब भी हो जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन की कमान अपने हाथ में लेकर उसे अगले स्टेशन तक जाता है जहाँ कोई दूसरी व्यवस्था की जाती है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर दोनों लोको पायलट को नींद आ जाए तो फिर क्या होगा? हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए भी रेल पूरी तरह से तैयार है। ट्रेन ने इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसमें अगर ट्रेन के दोनों ड्राइवर सो जाए तो ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी और कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। आइए हम जानते हैं कि ट्रेन का ये सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रेन चलाते समय लोको पायलट को हर कुछ देर में स्पीड कम ज़्यादा करना होता है। इसके अलावा समय समय पर हॉर्न भी बजाना होता है। ऐसे में अगर ट्रेन का ड्राइवर एक मिनट तक कोई मूवमेंट ना करे तो ट्रेन में लगा एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। इसे विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। यह ड्राइवर को एक तरह का ऑडियो विजुअल अलार्म देता है जिस पर ड्राइवर को 17 सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। अगर ड्राइवर इसका रिस्पॉन्स नहीं देता है तो 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में खुद ब खुद ब्रेक लगने लगता है। इसका मतलब है कि अगर ट्रेन में मौजूद लोको पायलट सो भी जाए तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार होने से बची रहती है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।